कोरोना से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। भारत में भी ये कोशिश की जा रही है कि कोई वैक्सीन बनाई जाए। इस बात की मंजूरी भी मिली है कि इस तरह की वैक्सीन का प्रयोग जानवरों पर किया जाएगा, इसका ट्रायल जानवरों पर किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। विश्व के कई देश कोरोना को समाप्त करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इटली और इजराइल जैसे देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। वहीं अब भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार की जाए। इस बात की जानकारी खुद ICMR ने दी है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। जानवरों पर ट्रायल सफल होने के बाद इंसानों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के डर के साए में जी रही है। अगर भारत ने वैक्सीन तैयार कर लिया तो ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया के कई मुल्क के लोगों को बचाया जा सकेगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।